हिमाचल का जो युवा है वो नशे की चपेट में आता जा रहा है। भारत सरकार के रिपोर्ट के मुताबिक अभी जो इसी साल जो पब्लिश हुई है, NDPS के सबसे ज़्यादा केस पंजाब में थे देश में, और अगले नंबर पे उसके हिमाचल था। हम सबको, हमारे समाज को, इस पूरे जो ये स्थिति बन रही है इस पे सतर्क होने की ज़रूरत है, और जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक जो है ये, हम ये जो नशे के खिलाफ लड़ाई है इसे जीत नहीं सकते। इसीलिए आज इस मंच से हम एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस की सरकार सत्तासीन होगी, सरकार एक ADEA एंटी ड्रग अब्यूज एनफोर्समेंट अथॉरिटी बनाएगी। ये ADEA है क्या, मैं आपको बता दूं, आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं, जिस भी इलाके में, जिस भी विधानसभा में, जिस भी ज़िले में नशे का व्यापार चल रहा है, वो व्यापार वहाँ के बिना एडमिनिस्ट्रेशन के, बिना प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट के नहीं चल सकता, बिना शासन की इन्वॉल्वमेंट के नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं नेता, पुलिस के अफसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसको संरक्षण देते आ रहे हैं, और इस संरक्षण को देते हुए आप देख रहे हैं कि हमारा जो आज की डेट में 25-27% युवा जो है 40 साल के नीचे, वो आज नशे की चपेट पे है। ये बहुत अलार्मिंग नंबर है। हर चौथा युवा जो है वो किसी ना किसी ड्रग को अब्यूज़ कर रहा है। सरकार आंखें मूंदे हुए है। मैं 2-3 चीज़ें आपको ADEA के बारे में बता दूं, जो कांग्रेस पार्टी आज प्रपोज कर रही है, जो ये एंटी ड्रग अब्यूज इन्फोर्समेंट अथॉरिटी होगी। ऐसी अथॉरिटीज़ पंजाब में STF बनाई गई थी, स्पेशल टास्क फोर्स, महाराष्ट्र में एक एंटी ड्रग स्क्वाड बनाया गया है ADS, मगर ये सब जो स्क्वाड या फोर्सेस बनती हैं ये सरकार के अधीन होती हैं। कांग्रेस पार्टी आज ऐलान करती है कि जैसे ही सत्ता में आएगी, ये जो ADEA है इसको एक हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस या प्रदेश के लोकायुक्त हेड करेंगे, ताकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें बिल्कुल ना हो। जो इसका डायरेक्टर जनरल होगा DG, जैसे हमारे CBI के डायरेक्टर का फिक्स्ड टेन्योर होता है 2 साल का, बिना ट्रांसफ़र के डर से, बिना प्रमोशन के डर से काम करता है वो, वैसे ही ये जो ADEA है इसका भी जो डायरेक्टर जनरल होगा उसका फिक्स्ड टेन्योर होगा 2 साल का, और सरकार का, किसी मंत्री का, किसी विधायक का ADEA में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो नशे की चपेट में हिमाचल आया है, गांव गांव तक नशा पहुंच गया है। आप किसी भी हिमाचल के गांव में जाएंगे, आपको 2, 5, 10 केस ज़रूर मिलेंगे ऐसे बच्चों के जिनकी ज़िंदगियां नशे में बर्बाद हो रही हैं। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, हमारे हिमाचल सरकार ने एक ड्रग कंट्रोल ब्यूरो को नोटिफाई किया है, नाम मात्र के लिए नोटिफाई किया है, और 6 एडिक्शन सेंटर बनाए हैं जिसमें 90% भारत सरकार का योगदान आता है और 10% स्टेट गवर्नमेंट योगदान करती है, बट जहाँ तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो 0 है। आप लोग वहाँ जाएंगे, आप देखेंगे जो एडिक्ट्स हैं उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है, उन्हें बांधा जाता है, बेड से बांधा जाता है। किस सदी में हम जी रहे हैं? ये जो नशा निवारण केंद्र हैं ये NGOs के हाथ में दे दिए गए हैं, और जो NGOs को भी दिए गए हैं वो भाई भतीजावाद करके सरकार ने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए ये एक आई वॉश कर रहे हैं।
पाँच साल में सरकार को कोई याद नहीं आई कि कोई पॉलिसी बनाई जाए। हमारा एक NDPS एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आनंद फानंद में जब सरकार को लगा कि अब तो हम जा रहे हैं, चुनाव देखेंगे, लोग हमें सवाल पूछेंगे, तो फरवरी के महीने में इसी साल एक जो पॉलिसी है वो नोटिफाई कर दी। उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि हमारी जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता। आप देखते थे, आए दिन अखबारों में आता था, हमारी जो भी कैनबिस ओपीएम की खेती होती थी हिमाचल में, उसको पुलिस वाले एक नियमित तौर पे हर 4-5 महीने के बाद, स्पेशली जो बरसात का सीज़न होता है, इसके बाद जाके डिस्ट्रॉय करते थे। आपने कुछ ऐसा देखा? पुलिस से मैं पूछना चाहूँगा, सरकार से पूछना चाहूँगा, आपने पिछले एक साल में एक भी ऐसी खेती डिस्ट्रॉय नहीं की गई है। तो इससे हम क्या माने? कौन ये जो ड्रग माफिया है इसको संरक्षण दे रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर? दूसरी बात, हम क्या नीति अडॉप्ट कर रहे हैं? जो बच्चा नशे की चपेट पे है, हम उसे अरेस्ट करते हैं, उसकी फ़ोटो अखबारों पे छापते हैं, फिर उसको या तो जेल में भेज देते हैं या डी एडिक्शन सेंटर में, उसकी तरह मैंने बताया उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। एक युवा को इससे निकालने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, एक पूरा एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। यहाँ पे जो डी एडिक्शन सेंटर है, अच्छा माहौल बन सकता है, अच्छे साइकोलॉजिस्ट वहाँ रखे जाएं, उन्हें योगा कराया जाए, मेडिटेशन एक्सरसाइजेस कराई जाए, मगर ये जो डी एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ जो ये जो लोग वहाँ आ रहे हैं उनको मंजे पे डालकर आप उनकी हालत देखेंगे तो बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है। हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, इन डी एडिक्शन सेंटर्स को जो है वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बनाया जाएगा, और जैसे बाहरी देशों में, डेवलप्ड वर्ल्ड में डी एडिक्शन सेंटर होते हैं, जो युवा जो उसकी चपेट में फंसा है उसे क्रिमिनल ना बनाकर एक अच्छी राह में, ताकि उसके और उसके परिवार की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर किया जा सके, ये हम पूरा प्रयास करेंगे। इसमें जो बच्चे फंसे हैं नशे में, युवा फंसा है नशे में, कैसे इनको एक नई ज़िंदगी की ओर ले जाया जाए, इसके लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस और हमारी आने वाली सरकार प्रयासरत है।